नमस्ते मंत्री जी। अरे आओ आओ सफेद मियां, आओ आओ बैठो। अरे ठीक है। अरे बैठो यार, घबरा कह रहे हो, इसे अपना ही घर समझो। भाईजान आज तो अच्छी कमाई हो गई। हम सोच रहे हैं कि सुनो, बहुत गर्मी है ना तुम्हारे अंदर। अगर एक बाप की औलाद हो तो आ जाना चांद बाबा के ठिकाने पर, वरना समझ लेंगे पूरे मोहल्ले का योगदान है तुमको पैदा करने में। चलो रे। अब क्या करेंगे भाईजान? चलेंगे, जरूर चलेंगे, और इसका जवाब भी देंगे। सुनकर तुम्हारे बारे में बहुत दुख हुआ। मंत्री जी, हम उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए। बताइए सफेद मियां, क्या मदद चाहते हैं? अब मंत्री जी, बम बंदूक का जवाब चाकू छुरी से तो नहीं दिया जा सकता ना, इसलिए वो विदेशिया वाला मिल जाता तो अच्छा रहता। हाँ, वो जिसमें एक बार में 12-15 गोली लगता है। ठीक है, देखो कोई जुगाड़ करते हैं। लेकिन कर पाओगे? मंत्री जी, बस आप इंतजाम करवा दीजिए, बाकी हमरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप अपने घर जाइए, सामान आपके घर पहुंच जाएगा। जी प्रणाम मंत्री जी। जैन सर। जैन जैन अफसर बाबू, लोहा गरम है सुकुल जी। वो सफीक में आए थे हमारे पास। हम लोगों को कोई पीछा कर रहा है। इसकी माँ का पीछा कर रहा है। भाई भाईजान रुकिए 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 भाईजान, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। भाईजान रुकिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बोल बे, क्या बताना चाहता है? चांद बाबा के सब आदमी लोग मुहर्रम की ताजिया लेकर जाएंगे कल। चांद बाबा ठिकाने पर अकेला रहेगा, एकदम निहत्था। उसको मारने का ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन तू कौन है बे? भाईजान चल निकल। राजू। हाँ भाईजान। तुमको क्या लगता है, ये साला सच बोल रहा था या झूठ? पता नहीं भाईजान, सच बोल रहा था कि झूठ, लेकिन ये है कि हर साल मुहर्रम के जुलूस में चांद के आदमी जाते जरूर हैं। मगर ये तो नहीं हो सकता ना कि चांद अकेला हो। ये भी है, मगर इतना सोचना क्यों? जब साला विदेशिया वाला अपने पास आ रहा है, दो चार साला वहीं निपटा देंगे। इसकी माँ का जो होगा देखा जाएगा। चलो। भाईजान
भाईजान, अगर हम लोग गांव के अंदर से चांद के पास पहुंचते हैं तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि गांव में हर जगह पे चांद के आदमी होंगे। तो फिर हम लोग किधर से जाएंगे? एक ही रास्ता है, नदी से सट के चरवाहों का रास्ता है। विदेशिया आ गई। मार तोड़ा के कोई भी बच के जाने ना पाए। साले ने बोला था दो चार आदमी चांद के साथ, यहाँ तो साला पूरी पलटन लिए घूम रहा है। साले ने गलत जानकारी दे दी। चलो अब क्या करें, यहाँ से निकलना पड़ेगा। निकलो, बहुत सारे आदमी।